अच्छा प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक स्पेस। सबसे पहले हम मैट्रिक को डिफाइन करेंगे, मैट्रिक स्पेस को, फिर हम इस पे एग्जांपल भी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे डिफिनेशन को लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन अ फंक्शन, देन अ फंक्शन, यहाँ पे एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, देन अ फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू रियल नंबर आर, ये एक्स है जो कि हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, देन दिस फंक्शन फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू दिस रियल नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक एफ। कुछ कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो हम इसी फंक्शन को कहेंगे मैट्रिक। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है एफ डी ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन हमारे पास है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्लियर। थर्ड पे जो है प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ y x, और इसको हम कहते हैं समेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहां पे मैंने लिखा समेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है d ऑफ x z इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू d ऑफ x y प्लस d ऑफ y z, और इसको हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे मैंने लिखा इसी प्रॉपर्टी फोर्थ वन को हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अगर ये फोर मीन ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम डी को कहेंगे मैट्रिक। क्लियर। ये एक्स वाई और जेड जो है ये इसी एक्स की एलिमेंट्स है, फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू द नॉन एम्प्टी सेट एक्स। अच्छा, देखिए यहां पे अगर ये चारों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए तो इसी डी को हम कहेंगे मैट्रिक ऑन एक्स, ठीक है। और देखिए यहां पे, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मैट्रिक। देखिए यहां पे डी हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। देखिए यहां पे डी और एक्स वाई ये हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, सो सिंस डी ऑफ एक्स वाई इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर सो इट इज कॉल्ड डिस्टेंस, सो इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। अच्छा देखिए, यहां पे डी हमारे पास है मैट्रिक और एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, सो डी इज कॉल्ड मैट्रिक ऑन एक्स। क्लियर।
एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स को हम कहते हैं ग्राउंड सेट, और इसको हम कहते हैं अंडरलाइन सेट। ठीक है, सीधा कि यहां पे अगर डी ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो डी को हम कहेंगे मैट्रिक। अगर हम एक्स और डी को ऑर्डर पेयर में लिख के, ठीक है, द पेयर एक्स वेर दिस मैट्रिक इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस, इसको हम क्या कहेंगे फिर, मैट्रिक स्पेस। तो देखिए यहां पे मैट्रिक्स स्पेस के लिए जरूरी होगा कि डी हमारे पास मैट्रिक्स हो, और मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि डी हमारे पास ये चार कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करे, तो हम फिर इसको कहेंगे मैट्रिक्स स्पेस। तो देखिए यहां पे अब इस पे हम एग्जांपल भी कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे एग्जांपल हमारे पास है लेट डी व्हिच इज अ फंक्शन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर डिफाइन बाय d of x y is equal to absolute x minus y for all x y belong to R. Then show that this function d is a metric on R. तो देखिए यहाँ पे ये हमने show करना है कि क्या d हमारे पास metric है कि नहीं। तो हमने ये चार condition जो है जो अभी हमने यहाँ पे define की, हम देखेंगे कि क्या ये satisfy कर लेते हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे डी हमारे पास फंक्शन से जो फ्रॉम आर टू आर डिफाइन बाय डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू। तो देखिए यहां पे इसी मैट्रिक को हम कहते हैं यूजुअल मैट्रिक। इस मैट्रिक को हम क्या कहेंगे, यूजुअल मैट्रिक, और इस मैट्रिक को हम कहते हैं यूक्लिडियन मैट्रिक। ओके, यूजुअल मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूक्लिडियन मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब देखते हैं क्या ये डी जो है, ये फंक्शन जो है जो डी इस पे डिफाइन है, क्या ये फोर कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर लेते हैं या नहीं। तो देखिए यहां पे फर्स्ट वन सेंस डी विच इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। Since x minus y is always greater than 0 because it is the distance between x and y, since x minus y is always greater or equal to 0, means is always greater than 0, sorry yahan pe, why, because it is the distance, between x and y, clear? ये greater than zero है, so this implies that, means ये greater than zero है, so this implies that d of x y is greater than zero. First condition यहाँ पे satisfy हुआ, means first condition is satisfied, ठीक है? अब वो सेकंड कंडीशन पे आते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमने सपोज किया कि हमारे पास जीरो है, सो दिस एम्प्लाइज दैट ये डिफाइन है इस पे एक्स माइनस वाई इज जीरो, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल है। देखिए यहां पे ये दोनों, अब वो ये एब्सोल्यूट खत्म करे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज जीरो, वाई को इस साइड पे ट्रांसफर करे सो x इज इक्वल टू वाई, क्लियर। अब वो कन्वर्स पे जाए, कन्वर्सली लेट
एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई को इस साइड पे ट्रांसफर करें, सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस वाई इज जीरो, दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट इज जीरो, बट दिस इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिया, इससे हमने हासिल किया एक्स इज इक्वल टू वाई, फिर हमने एक्स इज इक्वल टू वाई लिया, इसने से हमने हासिल किया ये, डेट इज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये सेकंड कंडीशन जो है ये भी सेटिस्फाई हुई। अब थर्ड नंबर कंडीशन पे आते हैं, देखिए यहां पे डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस एक्स, यहां से मैंने माइनस वन कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया वाई माइनस एक्स। अब वो माइनस वन एब्सोल्यूट और वाई माइनस एक्स एब्सोल्यूट, माइनस वन एब्सोल्यूट इज वन, सो वाई माइनस एक्स एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू y माइनस एक्स एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बिटवीन y एंड x। तो देखिए यहाँ पे ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है ना ये भी सेटिस्फाई हो गई। अब वो लास्ट वन जो है वो हमारे पास है ट्राइंगल इनइक्वलिटी। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है ट्राइंगल इनइक्वलिटी, अभी हमने ये प्रूव करना है, तो मैंने लिखा d of x z by definition is equal to x minus z। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने y को सब्ट्रैक्ट किया और y को ऐड भी किया, ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट y। अब देखिए यहाँ पे x minus y plus y माइनस जेड एब्सोल्यूट, इसको हम लिख सकते हैं इज लेस आर इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट की, ए प्लस बी एब्सोल्यूट इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू ए एब्सोल्यूट प्लस ओ बी एब्सोल्यूट। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है डी ऑफ एक्स वाई प्लस, और ये हमारे पास है डी ऑफ वाई जेड। तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई हुई, सिंस ऑल द फोर प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड फॉर दिस फंक्शन, सो डी एज अ मैट्रिक ऑन आर एंड दिस ऑर्डर पेयर मीन्स ऑर डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस, क्लियर। और इस मैट्रिक स्पेस को हम क्या कहेंगे, इस मैट्रिक को हम यूजुअल और यूक्लिडियन मैट्रिक भी कहते हैं।